हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेदपुरी अनासिस। तो आज होने वाला है इस बाइक का एक बहुत ही ज़बरदस्त छोटा सा रिव्यू, बट एकदम एक्चुअल रिव्यू होने वाला है, यूज़र रिव्यू होने वाला है। बेसिकली जो ये बाइक है ये ऑलमोस्ट कितनी किलोमीटर चली है, मिस्टर कैमरामैन ज़रा दिखा दो यार यहाँ पर। ये देखो 491.6 किलोमीटर ये बाइक अभी चल चुकी है, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था कि अब जरा फिर से वही एंगल में आ जाओ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा हुआ था कि ये बेसिकली जो ये बाइक है वो मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रही है, इंजन से रिलेटेड इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी ये प्रॉब्लम जो बेसिकली ये क्रिएट कर रही है ना, मैं आपको इसका वॉक अराउंड लेकर के बताता हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो यहीं पर है, मीटर में है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो फ्यूल इंडिकेटर देख रहे हो ना, ये अचानक से ब्लिंक करने लग रहा है, और अचानक से फुल दिखा रहा है, फिर अचानक से जीरो दिखा रहा है, और ये जो पेट्रोल वाला जो सिंबल होता है ये जस्ट नीचे में जो आप लोगों को शायद दिखाई दे ही रहा होगा, ये अचानक से ब्लिंक करने लगे, जबकि मेरे बाइक में ऑलमोस्ट 7 लीटर पेट्रोल से भी ज़्यादा पेट्रोल है। ओके, बट स्टिल ये चीज़ बार बार ब्लिंक कर रहा है। तो कल इसका सर्विसिंग था, मैं इसे सर्विसिंग में दे करके आया, और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर पेट्रोल। तो अभी ये एक्चुअल वर्क कर रहा है। बेसिकली इसका जो प्रॉब्लम था ना, वो इसका फ्यूल गेज का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और ये फ्यूल गेज का प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही बाइक में नहीं है, BS6 के ऑलमोस्ट यहाँ पर मतलब यार 4 या 5 बाइक कल सर्विसिंग के लिए आए हुए थे, और चारों पांचों का सेम टू सेम यही प्रॉब्लम था। वैसे मुझे इसका तो कुछ पैसा वगैरह लगा नहीं, ये सारा का सारा वारंटी में था, बस यही एक प्रॉब्लम है यार बाइक में, और कोई दिक्कत नहीं था। बट यार BS6 के बाइक्स में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके बाइक में भी आई हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ, जिससे कि यार हमें अच्छे तरीके से और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। हाँ, तो इसका मैं आप लोग एक बार छोटा सा एक वॉक अराउंड भी दिखा देता हूँ, इसका कितना चार्जेस लगा है ये सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहो इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये डुअल डिस्क है, और डिस्क ब्रेक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है, और अभी 500 किलोमीटर में भला इस बाइक का क्या बिगड़ सकता है। बट स्टिल शुरू से ही बाइक की यार चलाने से ही पता चल जाता है कि वो बाइक का क्या रिलायबिलिटी है, क्या है, कुछ भी है। तो पिकअप यार काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आगे मैं सुपर मोटो ABS दिया हुआ है, ये जो बेसिकली ABS है ये पल्सर के ABS से ज़्यादा बेटर है। मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे इसका ABS जो है वो बहुत बेहतरीन लगा, और पीछे का डिस्क ब्रेक भी यार इतना अच्छा है कि स्किट नहीं कर रहा है RLP की वजह से कि क्या चीज़ की वजह से। और ये देखो आगे से तो एकदम काफ़ी ज़बरदस्त लगते ही है, और यहाँ से बेसिकली आप लोग देख लो इसका एक और एंगल। तो पेंट स्कीम यार BS4 से डिफरेंट है, और ये काफ़ी मुझे पसंद आ रहा है पेंट स्कीम, होप आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और ये देखो चेन लुब्रिकेंट कल ही मैंने करवाया है, 70 रुपीज़ इन्होंने लिया है, सारा डिटेल मिलेगा यार, आप लोग टेंशन मत लो। और ये बेसिकली जो सॉकर है ना MIG का, ये काफ़ी ज़बरदस्त सॉकर है यार, मतलब ट्रिपल लोडिंग भी अगर बैठा लो तो ये सॉकर को कुछ खास असर नहीं पड़ता है। और ये देखो टायर वगैरह सब कुछ सही है। तो अब आते हैं सर्विसिंग के ऊपर में, ब्लिंकर वगैरह ये सारा कुछ, और मैं आप लोगों को मीटर एक बार ज़रा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे आप इसे ओपन करोगे ना, तो ये तो यार इसका लेजेंडरी मीटर है, यहाँ पर पेट्रोल शो होता है, यहाँ पर किलोमीटर शो होता है, यहाँ पर टाइम शो होता है, ये स्पीड इंडिकेट करता है, और बेसिकली ये जो है ये कुछ देर तक चलता है जब आप बाइक को स्टार्ट करते हो तो ABS का साइन आता है, और ये जो है वो सर्विसिंग का है, और ये बैटरी से रिलेटेड, अगर बैटरी में आपका कोई भी अगर डिफेक्टेड इशू रहेगा तो यहाँ पर ये चीज़ ब्लिंक करेगा। और ये पेट्रोल तभी ब्लिंक करता है जब ये आपका कांटा जो है, ये जो आप देख रहे हो ना इंडिकेशन, ये पूरा घट करके नीचे तरफ आ जाए। ओके, बस यही है, छोटा सा है, मतलब कुछ खास नहीं। और यहाँ से आप लोग मोड वगैरह सेट कर सकते हो, सेट मतलब कोई सी सेटिंग है तो वही लेजेंडरी सेटिंग है यार, सबको पता है। तो यही है, और इसका जो पेट्रोल टैंक है वो ऑलमोस्ट 12 लीटर का है, पहले 16 लीटर हुआ करता था, इसका 12 लीटर कर दिया जा चुका है। तो यही सब है, और मैं आपको सर्विसिंग का इसका डिटेल देता हूँ अब। और ये देखो ये रहा फर्स्ट सर्विसिंग का पेपर, सर्विस इनवॉइस। तो यहाँ पर क्या क्या लगा है, ये एक फ़िल्टर कॉम लगा हुआ है, और इसका जो प्राइस है वो टोटल GST वगैरह सब लेकर के 30 रुपीज़ है। इंजन ऑयल जो है वो मैंने अच्छा वाला डलवाया था, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, TVS का ही जो आता है, ये 5000 किलोमीटर तक इंजन ऑयल चलता है। इसका जो प्राइस है वो 572 रुपीज़ है, और एक्चुअल रेट, बट यहाँ पर जब MRP में होगा जो कि आपको देना है, ये 675 रुपीज़ है। चेन स्प्रे मैंने करवाया था, ये आप चाहो तो करवा सकते हो, या फिर घर में ही आप लोग कर सकते हो, ये आपको 70 रुपीज़ पड़ेगा। और सैनिटाइज़र आई डोंट नो क्या है, इसका 59 रुपीज़ इन्होंने लिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो टोटल खर्चा अपना कितना आया है,
तो 835 रुपये आया। तो यार 160 सीसी के बाइक के लिए, इतनी बड़ी बाइक के लिए, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि 160 सीसी बाइक के लिए 835 रुपये कोई बहुत बड़ा यार चार्जेस नहीं होता है। जैसे कि आप लोग अगर KTM वगैरह किसी के पास मतलब जाओ और अगर उसका हल्का सा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, या फिर आप कोई भी एक नॉर्मल सा भी बाइक देख लो, जैसे कि अभी स्प्लेंडर का भी, अब अगर मैं KTM वगैरह का बात नहीं कर रहा, अगर आप स्प्लेंडर का ही देख लो तो उसका भी यार 700 रुपीज़ 600 रुपीज़ उसका चार्जेस हो चुका है। मेरा जैसे TVS विक्टर है उसका भी चार्जेस ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ आता है, ऑयल वगैरह, चेन क्लीनर, ये सब वगैरह ले करके, जो भी है एयर फिल्टर साफ उफ करके, इतना मतलब चार्जेस आ जाता है फ्री सर्विसिंग का मैं बता रहा हूँ। और अगर डायरेक्ट अगर सर्विसिंग कराओगे बाहर से तो उसका तो और भी ज़्यादा आएगा। तो 835 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं यार, काफ़ी किफ़ायती बाइक है। और ये मेरे एक फ्रेंड के पास में है और उसका जो बाइक है वो ऑलमोस्ट 100,000 किलोमीटर चल चुका है, बट स्टिल वो बाइक एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। वाइब्रेशन है, और मैं वाइब्रेशन कंपैरिजन भी मैं ज़रूर करूँगा। BS6 में मैं आप लोग इतना बता देना चाहता हूँ कि इसका वाइब्रेशन बहुत हद तक डाउन हो चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और मैं आपको ज़रा स्टार्ट करके इसे फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो एक सेल्फ में स्टार्ट होगी, बहुत बेहतरीन बाइक है यार, बहुत बेहतरीन बाइक है। तो अब लास्ट में ये कहना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।